तो चलिए हम सब सीखते हैं कि ये ट्रिग्नोमेट्री का जो पार्ट चल रहा था, हाफ एंगल फॉर्मूला जो चल रहा था, उसमें अभी सीखने वाले हैं कोसाइन फॉर्मूला। इसके प्रीवियस में मैंने साइन फॉर्मूला बताए थे, हाफ एंगल साइन फॉर्मूला। इसमें मैं आपको समझाऊंगा कि हाफ एंगल कोसाइन फॉर्मूला क्या होता है। कोसाइन मतलब कॉस लेके चलना है, जैसे कि मतलब कॉस ए बाई टू क्या होगा, ठीक है, उसके बाद से कॉस बी बाई टू क्या होगा, उसके बाद से कॉस सी बाई टू क्या होगा, ये चीज़ें मुझे सीखना है। अब यहाँ पर देखिए, कॉस ए बाई टू की अगर मैं बात करूँ तो इसका फॉर्मूला जो होता है सिंपल सा होता है, एस एस माइनस ए अपॉन बी सी, बस इतना ही होता है, रूट में एस एस माइनस ए अपॉन बी सी। अगर कॉस बी बाई टू की बात करूँ तो एस एस माइनस बी अपॉन सी, ठीक है। देखिए एंगल ए था तो ए माइनस किए, और उसके अलावा जो साइड बचे थे ये, बी था तो बी माइनस किए और उसके बचा हुआ सी ए, और यहाँ पर एस एस माइनस सी होगा। सी साइड है, एंगल नहीं है, ध्यान रखना ये साइड का है, ये एंगल है, कैपिटल है, और डिवाइड बाय सी को छोड़ के क्या है, ए बी। तो ये फॉर्मूला बन जाता है आपके सामने। ये तीन फॉर्मूले आपके सामने दिख रहे हैं, चाहे तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अब इसको प्रूफ करके मैं बता देता हूँ, ठीक है, इसमें मैं इसको प्रूफ करके बता देता हूँ। तो यहाँ पर मैं इसका डेरिवेशन करके बता देता हूँ। तो डेरिवेशन करने के लिए आपको ये कॉन्सेप्ट लेके चलना पड़ेगा कि ये जो कॉस ए का फॉर्मूला आपको पता था, कॉस ए का फॉर्मूला आपको क्या पता था कि टू कॉस स्क्वायर ए बाई टू माइनस वन, ये आपको पता था, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, टू कॉस स्क्वायर ए बाई टू जो है उसको इधर रहने दीजिए, ठीक है, ए को लेकर चल रहा हूँ, यहाँ पे बी बाई टू भी लिख सकते थे, यहाँ पे सी बाई टू भी लिख सकते थे, जैसा रहता तो वैसे कॉन्सेप्ट लेके चलते थे हम, इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। तो यहाँ पर देखेंगे ये माइनस वन इस तरफ आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस वन हो जाएगा कि नहीं, प्लस वन हो जाएगा, ठीक है। तो मैं इसको इस तरफ लिख देता हूँ, टू कॉस स्क्वायर ए बाई टू, और इधर हो गया वन प्लस कॉस ए। अब कॉस ए का मैंने फॉर्मूला ऑलरेडी बता के रखा है कि वन प्लस ए है ना, तो ए के लिए क्या होता है, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपन टू बी सी, ये इधर मल्टीप्लिकेशन होगा तो टू बी सी प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपन टू बी सी। अब इन दोनों को अगर इसके साथ अगर देखोगे तो इसका फॉर्मूला बन रहा है बी प्लस सी का होली स्क्वायर, यहाँ माइनस ए स्क्वायर अपन टू बी सी, ये भी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में हो गया। तो एक बार क्या होगा, एक बार बी प्लस सी प्लस ए, एक बार बी प्लस सी माइनस ए अपन टू बी सी, ये हो गया, ठीक है। ये तो आपका सीधा सीधा दिख रहा है, ए प्लस बी प्लस सी, और इसमें हम कर सकते हैं ए प्लस बी प्लस सी। अब देखिए ए मैंने प्लस लिया है तो एक माइनस ए रखना पड़ेगा, तब ये कैंसिल होकर जीरो हो गया, और एक माइनस ए तो था ही ना, वही तो कॉन्सेप्ट लगा रहा हूँ मैं। अब यहाँ पर थोड़ा ध्यान देंगे तो ये तो आपका ए प्लस बी प्लस सी, इसका डिवाइड बाई टू इधर ले लेंगे इंटू, यहाँ पर क्या बच जाएगा, डिवाइड बाई में रख लो, ये टू इसके डिवाइड में हो गया, और यहाँ पर ए प्लस बी प्लस सी, यहाँ का जो टू कॉस स्क्वायर था तो मैं कॉस स्क्वायर ए बाई टू रखता हूँ और टू इधर डिवाइड करूँगा तो इसके डिवाइड बाई टू होगा, ये होगा ना, इधर से बचा बी सी, इसकी वैल्यू क्या होगी, देखिए एस हो गया, और ये क्या है, एस माइनस ए होगा, इधर क्या है बी सी, और ये कॉस स्क्वायर ए बाई टू है तो कॉस ए बाई टू क्या होगा, ये रूट में चला जाएगा, एस एस माइनस ए अपन बी सी, ठीक है। तो ये आ गया, इसी तरह बी बाई टू का लोगे तो बी बाई टू का अलग आएगा, सी का सी बाई टू आएगा अलग। तो इस तरीके से आप इसको प्रूव कर सकते हैं, बहुत ही ईजी और बहुत ही शानदार कॉन्सेप्ट था, आसानी से इस फॉर्मूले को प्रूव कर सकते थे। चलिए इसी में मैं आपको टेंजेंट फार्मूला भी बता देता हूँ, जो आपका टेंजेंट फार्मूला है हाफ एंगल टेंजेंट फार्मूला, वो भी मैं यहाँ पर बता देता हूँ ताकि आपको आइडिया मिल सके। देखिए हाफ एंगल टेंजेंट फॉर्मूला,
ठीक है, हाफ एंगल टेंजेंट फार्मूला। तो ये क्या होता है, पहला मतलब टेन ए बाई टू की बात कर रहा हूँ, तो ये क्या आएगा, एस माइनस बी एस माइनस सी अपॉन एस एस माइनस ए। दूसरा की बात करूँ कि टेन बी बाई टू क्या होगा, तो ये फॉर्मूला हो जाता है एस माइनस सी एस माइनस ए, और यहाँ पर हो जाएगा टू एस माइनस बी। देख सकते हैं बी बाई टू एस माइनस बी इधर नीचे आ जाएगा टू के साथ, ये हो गया है। थर्ड अगर देखेंगे टेन सी बाई टू, तो यहाँ पे क्या होगा एस माइनस ए और एस माइनस बी, और यहाँ पे नीचे एस माइनस सी होगा और टू मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा। ये फॉर्मूला है, कितना अच्छा कॉन्सेप्ट के साथ मैं बता रहा हूँ कि आपको आसानी से ये सब चीज़ें आ जाएंगी। अब इसको प्रूव करना एकदम आसान है, इसको प्रूव करना टू प्रूव करना आसान है एकदम। क्या है कि आपको ये तो पता है ना कि टेन इक्वल टू होता है साइन अपॉन कॉस, ये थोड़ा लॉजिक याद रखना ठीक है। अब यही चीज़ तो मैं कर देता हूँ, अगर टेन ए बाई टू की मैं बात करूँ, क्या लिख सकते हैं, साइन ए बाई टू अपॉन कॉस ए बाई टू। अब आपको यहाँ पर थोड़ा ध्यान दीजिए, इसके प्रीवियस वीडियो में साइन का मैंने बताया था और इसी में कॉस का फॉर्मूला बता के रखा है। तो साइन का क्या फॉर्मूला था, साइन का ये फॉर्मूला था एस माइनस बी एस माइनस सी अपॉन बी सी होता था, और कॉस का तो अभी हमने निकाला है, क्या निकाला था, अंडर रूट एस एस माइनस ए अपॉन बी सी। अब दोनों ये रूट में है, देखिए बी सी रूट में है तो कैंसिल हो गया, बचा ये अपन यही बचा है ना, इसका फॉर्मूला क्या आ गया एस माइनस बी एस माइनस सी अपॉन एस एस माइनस ए, यही तो है फॉर्मूला टेन ए बाई टू का। तो कितना आसान है, हर किसी का इसी तरीके से निकाल लोगे, आसानी से कैलकुलेट होके आ जाएगा, ये आपका फॉर्मूला है ठीक है। तो आपको ये चीज़ें भी समझ में आ गई होगी। अब आगे क्या सीखोगे, अब आगे सीखेंगे कि जो ट्राइंगल के एंगल हैं उनके साइन फॉर्मूले क्या होंगे, ट्राइंगल के एंगल ठीक है उनके साइन फॉर्मूले और क्या हो सकते हैं। एक तो साइन फॉर्मूले आपने देखा ठीक है, ट्राइंगल के एंगल के साइन फॉर्मूले, तो वो चीज़ें तो ऑलरेडी आपने देख लिया है, फिर बाद में कुछ और भी फॉर्मूले हैं ठीक है, साइन ए का साइन सी का साइन साइन रूल देखा था, अभी साइन फॉर्मूला देखोगे ट्राइंगल के एंगल का, साइन फॉर्मूला देखोगे, तो वो चीज़ें हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो देखते रहिए और अपने आप को बेस्ट बनाते रहिए।